खाबरी जी, आप बुंदेलखंड से हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। हमारे सामने प्रदीप जी बैठे हुए हैं। ये वही धरती है जहां से झांसी से कांग्रेस ने सांसद दिया, मंत्री दिया, फिर पूरी तरीके से अब चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, पूरी तरीके से साफ है। इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में जनता तय करती है कि हमें किस दल को लाना है। जनता ने हमें अस्वीकारा, जिनको भी स्वीकार किया, तो उसका दोनों दशा में जनता के लिए तो धन्यवाद देना। जनता स्वीकार करती है, जनता बनाती है, जनता ने क्यों आपको अस्वीकार किया, इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह जो है वो केवल और केवल जनता के सामने झूठे वायदे परोस करके, जनता को गुमराह करके, जनता को लालच दे करके, अपने तरफ आकर्षित करके सरकार बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है, वो इन 8 सालों में बिल्कुल उजागर हो गया। मतलब जनता बेवकूफ है, कोई झूठ बोल दे तो उसको जिता देती है? नहीं, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता के सामने अच्छे अच्छे समझदार नतमस्तक होते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जनता बेवकूफ? आपने कहा ना कि झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, आपके आगे कांग्रेस झूठ बोल नहीं पाई। आपको आगे बता रहे हैं, अगर झूठ नहीं निकले तो बताना। 2014 में बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए जा रहे थे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इस नारे के बाद भी आगे भी तो बोले नहीं, 15 लाख देंगे की बात के बाद भी तो जनता भरोसा कर ली, क्योंकि आप लोग जब 14 में 15 लाख कर लिए, उसके बाद 19 में भी जनता ने भरोसा कर लिया, 15 लाख वाले आप लोगों के जुमले पे भरोसा नहीं किया कि मोदी जी ने क्या कहा था क्या नहीं किया था। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार और तरह तरह के इसी तरीके के, जैसे क्यों भाई आप लोग 45 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए राजी हो? हाँ, आवाज आई। तो क्या 45 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है? क्या आप रसोई गैस 250 रुपए में खरीदने के लिए राजी हो? हाँ, बिल्कुल राजी हैं। आज क्या रसोई गैस आपकी 250 रुपए में बिक रही है या मिल रही है? तो इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं तो अच्छे अच्छे गुमराह हो जाते हैं, बेवकूफ नहीं होते हैं, गुमराह होते हैं। और जनता ने गुमराह होकर के एक बार देखा, दो बार देखा, अब तीसरे बार झूठ नहीं चलना। बुंदेली कहावत है ना कि काट की हांडी एक ही दो बार देखी जा सकती है, हर बार नहीं चलाई जा सकती। तो अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चलने वाली है, दो बार देख लिया जनता ने 8 साल में, 8 साल बनाम 60 साल, 60 साल में हमने जो किया है उन्होंने 8 साल में उसको बेच के बराबर कर दिया है। अब कहां तक जनता इनको देखेगी? अच्छा, इसलिए आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल स्पष्ट है। इतनी ताली बजी तो मुझे तो एक बड़ा उम्मीद हुआ लगा कि भाई कांग्रेस की तरफ से इतनी ताली, मतलब जमीन पर कार्यकर्ता आ गए क्या आपके आने से? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं कार्यकर्ता, नेता और जनता, ये तीनों मिलकर के एक हो रहे हैं और आने वाले टाइम में वरिष्ठ जुमला आने वाले टाइम में वरिष्ठ जुमला पार्टी का सफाया होने जा रहा है, ये बिल्कुल तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।